काजल, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सच्ची खबरें जानना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि सच जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, देश में मौजूद है 3000 बाघ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बाघों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। पीएम की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बाघों की संख्या 2967 हो गई है। सपा सांसद आजम खान ने अपने विवादित बयान पर सांसद से मांगी माफी। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने जिस तरह से पीटा सिंह अधिकारी और भाजपा सांसद रमा देवी को लेकर संसद के भीतर विवादित टिप्पणी की थी, उस पर हुए हंगामे के बाद आजम खान ने आज संसद के भीतर माफी मांग ली है। जम्मू कश्मीर में 30 जुलाई को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, पीएम मोदी और शाह भी हो सकते हैं शामिल। सरकार ने अपने इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर भाजपा कोर कमेटी की अपर बैठक की अध्यक्षता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नंदा करेंगे और इस दौरान पार्टी के संगठन महासचिव बीएस संतोष भी रहेंगे। संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।